हमारे आसपास इतने बैक्टीरिया, इतने वायरस हैं, लाखों करोड़ों में हमारे आसपास बैक्टीरिया और वायरस घूमते रहते हैं, और हमारी जो बॉडी है वो भी कई बैक्टीरिया और वायरसों से मिलकर बनी हुई है। और हम एक कोरोना वायरस से डर रहे हैं क्योंकि हमें डराया जा रहा है, हम सुन रहे हैं बार बार बस कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। किसी भी वायरस जो पहले आए थे आपने किसी वायरस का नाम नहीं सुना था। क्या सुना था? कोई फ्लू आया है, कोई सर्दी जुकाम बुखार खांसी की प्रॉब्लम चल रही है। अरे वो सर्दी जुकाम हो रहा है, उससे दूर रहना, कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए, यही सुना था आपने। अब उस वायरस को नाम रख दिया गया है कोरोना। जब भी आपको पता चलेगा कि कोई खतरनाक व्यक्ति आया है तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ आई, डर। और आपने दो लोगों को सुना, दो लोगों ने सुना यार वो तो बहुत खतरनाक व्यक्ति आया है। खतरनाक व्यक्ति के बारे में आप जानते नहीं हैं, लेकिन उसके बारे में आपने सुन लिया यार खतरनाक व्यक्ति आया है, ना आप उससे मिले। चार लोगों ने, जो चार दो लोग हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो जो दो लोग कई लाखों करोड़ों लोगों में पहुँचा देते हैं। ऐसे ही जो आप न्यूज़ चैनल पे सुन रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, हर व्यक्ति से आप एक ही चीज़ सुन रहे हैं, बच्चों बच्चों से सुन लो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो जिन बच्चों को और जो बड़े लोग, बड़े व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको पता था बस कोरोना कोरोना। आज वो देख देख के कोरोना लिखना सीख गए हैं, वो बिना देखे कोरोना लिख देंगे जो पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो आप सोच लो कि आप जो बार बार आपके दिमाग पे किसी भी तरह का टॉर्चर होगा तो आपके दिमाग पर क्या असर बैठेगा। वही चीज़ हो रहा है, वही चीज़ हो रहा है, वही चीज़ हो रहा है, और उसी से आप डर रहे हो। प्लीज़, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल डरिए मत, ये नॉर्मल फ्लू है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, जो पहले भी फ्लू आए थे और वही फ्लू है। हो सकता है इसके बाद इससे बड़ा वायरस आ जाए, और क्यों नहीं हो सकता है? जब ये वायरस आया है तो इससे बड़े बड़े वायरस भी आएंगे ही। आप कब तक इनसे डरोगे? आप अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, आप अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, और अच्छी सोच रखिए, और आपके माइंड पे कभी भी दहशत डर मत बैठाइए। यदि आप डर बैठाएंगे, डरोगे आप, आपके दिमाग में बार बार कोई टॉर्चर होगा, आप डर बैठाओगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है ना वो कम हो जाएगी धीरे धीरे। मान लीजिए आप है ना कहीं पर भी बैठे हुए हैं या सो रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति आके आपसे कह दे अरे आप तेरी दुकान में आग लग गई, तो आप क्या सोचोगे? पूरी इम्यूनिटी आपकी ख़त्म हो गई, केवल डर हुआ ना, डर गए आप, अरे यार मेरी दुकान का अब क्या होगा, ये वो सोचने लगे। आप ये नहीं सोचो कि यार देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार चार लोगों को और जाऊँ उसको बुझाऊँ, ये कुछ नहीं, आप वहीं शिथिल हो गए, आपकी इम्यूनिटी वहीं ख़त्म हो गई। इसी तरह से आप बार बार सोचोगे कहीं कोरोना मौत तो नहीं है, तो आप बिल्कुल ही मर जाओगे। आप मर भी नहीं रहे हो ना तो मर जाओगे आप। मैं आपको एक बात बता दूं, रोज़ सुन रहे हो आप कि कल वैक्सीन आ रही है, परसों वैक्सीन आ रही है, कल न्यूज़ सुनी आपने कि रूस ने खोज कर ली, परसों सुनी आपने अमेरिका ने खोज कर ली, कहीं इटली ने खोज कर ली, तो डेली आप सुन ही रहे हो, लेकिन परफेक्ट अभी तक सुना भी नहीं है कि आपको वैक्सीन आ रही है कि नहीं आ रही। और मैं आपको बता दूं कि इसमें पता नहीं कितना समय लग जाए, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल, वो ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस हमेशा अपनी शक्ल बदलता रहता है, म्यूट होता रहता है। मान लीजिए आपने किसी के लिए, मान लो कोरोना वायरस के लिए आज आपने एक वैक्सीन बनाई, हथियार तैयार किया, और आपने हथियार तैयार करने के लिए आप उससे लड़ने चले गए कि मैं इससे मार ही दूंगा। आप जब तक मारने गए ना उसके सामने, अरे यार इसने तो ये इससे नहीं मर पाएगा, तो आप क्या करोगे? अरे यार मैं इससे नहीं मार पाऊंगा, अब मैं उससे चाकू लेके आता हूँ, चाकू से मार दूंगा। आप चाकू बनाने गए, जब तक फिर वो तैयार हो गए, अरे यार ये चाकू से कैसे मरेगा, इसके लिए तो तलवार की ज़रूरत पड़ी। आप तैयार तलवार लेने चले गए, आप तैयार तलवार बनाने चले गए, तलवार बना के लेके आए, जब तक उसने बड़ी शक्ल कर ली, उसने पूरा ही चेहरा चेंज कर लिया, आप कब तक आप अपने हथियार चेंज करते रहेंगे? तो ये वही है जो हथियार चेंज हो रहा है,
और कुछ नहीं, आप कब तक हथियार कर चेंज करोगे? और ये वैक्सीन आ भी गई तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी वैक्सीन सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि जितने भी आरएनए वायरस की वैक्सीन आई वो कभी सक्सेस नहीं हुई, अभी भी ट्रायल पे लगी हुई हैं। अभी भी जो आई थी फिर डबल से वो चली गई कि यार ये तो अभी ठीक तरह से बनी नहीं, ये और उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और डबल से ट्रायल पर चली गई वो। तो ऐसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन आना है और आ भी गई तो आप कोई ज़रूरी पुख्ता नहीं है कि ये सक्सेस हो जाए। और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ आपको हर साल इस फ्लू की वैक्सीन लगवाना पड़ेगी, जितनी भी फ्लू की वैक्सीन होती हैं वो हर साल लगवाना पड़ती है, तो आपको उसका अलग से ही पे करना पड़ेगा, अलग से ही आपको आपकी इम्यूनिटी अलग से बढ़ाने के लिए आपको वैक्सीन लगवाना है, तो हर साल लगवाना पड़ेगा। आपको ये मत सोचो कि मैं कोरोना वायरस से बच गया, एक बार मैंने वैक्सीन लगवा ली मैं कोरोना वायरस से बच गया, आप बचे नहीं हैं बल्कि उसमें फंस गए आप। तो इसलिए आपको केवल अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, और अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ अपना ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखना है। मेरा बस यही कहना है कि आप डरोगे नहीं, आप डरोगे तो मरोगे। कोरोना वायरस मौत नहीं है, केवल एक फ्लू है, और कई फ्लू को आपने पहले ही पछाड़ दिया है, अब ये कौन सा फ्लू है जिससे आप डर रहे हो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के इस डर के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।